तो कहाँ थे आप? आइए स्टूडियो में देखते हैं कुछ इस तरीके का, अपने पिक्चर को बैकग्राउंड से परफेक्ट मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो हमारे नए मेहमान है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले अपने बैकग्राउंड्स को पिक्सार्ट में ओपन कर लेंगे। बैकग्राउंड की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐड पिक्चर पे आते हैं, तो देखिए ओरिजिनल पिक्चर है, इसका बैकग्राउंड मैंने पहले ही रिमूव कर दिया है क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इस वजह से, ठीक है। तो आप लोग अगर पता नहीं कैसे परफेक्टली बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप हैंड पे ध्यान दीजिए, ठीक है, अपने हाइट पे ध्यान दीजिए कि ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये देखिए परफेक्ट हो चुका है। यहाँ इरेज पे क्लिक कीजिए, उसके बाद हम लोग उसको इरेज कर देंगे एक्स्ट्रा पार्ट को, ठीक है। क्योंकि ये देख रहे हैं कि जो होल्डिंग का जो साइज था हम लोग के हैंड का बहुत ज़्यादा था, हम उसको क्लोज कर नहीं सकते थे फिंगर को, इसलिए हमने उसको फिंगर को रिमूव कर दिया। फिर से दोबारा से हम लोग फिंगर को ऐड करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा फिंगर, ठीक है। तो हम लोग दिखाते हैं आपको, हो गया। ऐड पिक्चर पर जाएंगे फिर से, या ऐड फोटो पर जाएंगे, उसके बाद हम लोग वो फिंगर सिर्फ हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐड पिक्चर पर आके यहाँ क्रॉप पर क्लिक कीजिए, अब सिर्फ आप उसको फिंगर को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फिंगर को सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर ज़्यादा एरिया हो गया हो तब, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं उसको, यहाँ से इरेज पर क्लिक करते हैं। तो इरेज पर क्लिक करने के बाद आप देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए अब क्या लग रहा है, अब दिखने में लग रहा है ना कि वो हैंड क्लोज हो चुका है, मतलब वो पूरा अच्छी तरीके से पकड़ लिया गया है, ठीक है। तो ये सब छोटी चीज़ है, अब सेव कर लेते हैं ऊपर से। अब देखिए जो नीचे जो लेग है एक्स्ट्रा, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से इरेज पे क्लिक करेंगे फिर से बॉडी को सेलेक्ट करके, ठीक है। अब हम लोग उसको इरेज करेंगे क्योंकि मेरा हम लोग का हैंडल है वो ऊपर फ्रंट में आ जाए, जिससे हम लोग का वो लेग अंदर नीचे की तरफ चला जाए, ठीक है। तो ये देखिए हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको ऊपर से सेव कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक और फोटो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर मिरर पर देख रहे हैं साइड मिरर, लेकिन हम लोग वो लास्ट में करेंगे जब सब कुछ हो जाएगा तब, क्योंकि वहाँ पर अगर मिरर है तो वो फोकस वहाँ पर बनेगा ही एरिया। अब हम लोग क्लोन में चलते हैं, यहाँ पे इसको क्लोन करते हैं। तो टूल्स में जाएंगे, वहाँ ऊपर क्लोन में जाएंगे, उसके बाद हम लोग को वो जो एक्स्ट्रा जो था ये देख रहे हैं आप, इसको हम लोग क्लोन कर लेते हैं। तो क्लोन की वीडियो मैंने बनाई है, अगर आपको पता नहीं कैसे यूज़ करते हैं क्लोन को, थोड़ा सा मुश्किल है इसको यूज़ करना, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद हो जाती है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। चलिए हो गया, हम इसको ऊपर से सेव कर लेते हैं, सही है। चलिए सेफ, अब हम लोग चलते हैं फेस पे, लाइट मेंटेन करते हैं। तो हम लोग ब्यूटी का यूज़ करके जैसे पिछले वीडियो में किए थे वैसे ही हम लोग कर लेंगे स्किन टोन का यूज़ करके। तो चलिए मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। ये जो पिक्चर थी कल हम लोग शाम में गए थे मेंस पार्लर में, तो वहाँ पे क्लिक किया गया, और ये पिक्चर बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली क्लिक किया गया है। मतलब कहने का मैंने पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया था, उसके बाद मैंने पिक्चर को क्लिक किया था, क्योंकि वो एरिया कम थी वहाँ पर सैलून में, इस वजह से। तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे बैकग्राउंड को देख करके पिक्चर क्लिक किया जाता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि पहले बैकग्राउंड पिक्चर क्लिक करते हैं, उसके बाद बैकग्राउंड ढूंढते हैं, वैसा नहीं करना। पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद अपने पिक्चर को क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको एंगल, डिस्टेंस, इस सब चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, तो मैं जब करूँगा तो आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग टूल्स में चलते हैं, उसके बाद हम लोग कलर पर चलते हैं, कलर मेंटेन करते हैं। तो कर्व में आ गए, उसके बाद कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसका अमाउंट फुल कर देंगे सिर्फ सिलेक्शन बनाने के लिए। तो हम लोग ऊपर इरेज पे क्लिक करेंगे, इनवर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना सिलेक्शन बना लेंगे। अब जो भाई अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं कि उनको पता नहीं कैसे कलर मेंटेन करते हैं कर्व के टूल में, तो मैंने वीडियो बना दी है, तो आप उसको एक बार देख लीजिए, वरना थोड़ी सी मुश्किल होगी यहाँ पर समझने में, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्शन बना लेते हैं, इससे आप किसी भी कलर को मेंटेन कर सकते हैं। चलिए हो गया, यहाँ से ओके कर लेते हैं। यहाँ से पहले जो हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं एक्स्ट्रा को, जो पूरा रेड हो गया था, तो यहाँ से डिलीट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लाइट पहले मेंटेन करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करके मिक्स आरजीबी का यूज़ करके हम लोग लाइट मेंटेन करते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बना दिया, आप देखिए उसको। अब हम लोग कलर कैसा यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग को बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये जो कार का कलर है ये ज़्यादा है, तो हम लोग अपने बॉडी पर वैसा ही कलर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेड का यूज़ करते हैं। तो चलिए ये लाइट मेंटेन हो गई है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से रेड का कलर यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया था उस वीडियो में। ऊपर जाएंगे, नहीं मिल रहा, नीचे आएंगे, ठीक है। तो देखिए पहली बार में हम लोग को ये मिल गया, रेड से ही हम लोग का कलर मैच हो गया, देखें कितना परफेक्ट मैच कर गया, ठीक है। तो आप जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको वीडियो को देखिए, आप कैसे मेंटेन करते हैं। ये तीनों कलर का अगर मैच नहीं करता तो हम लोग तीनों कलर का यूज़ करके मैच करते हैं, वो 110% यहाँ से मैच करना ही है, ठीक है। तो हम उसको सेव कर लिए।
अब हम लोग चलते हैं, देख रहे हैं लाइट फेस पे जो है वो ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग टूल्स में आके एडजस्ट में आ जाते हैं, क्योंकि जब इस पे क्लोथ पे जो कलर आया तो ये फोकस ज़्यादा करने लगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग सलेक्शन बनाएंगे, उसको इरेज पे क्लिक करेंगे। तो सलेक्शन बनाने के लिए अमाउंट को ज़्यादा या कम कर लीजिए, उसके बाद जो वो पूरा डार्क कर दीजिए, उसका सलेक्शन बनाइए उसका, ठीक है। तो हम लोग पूरा फेस का सलेक्शन और हैंड का सलेक्शन बना लेते हैं, क्योंकि वो आपको जब वहाँ से कीजिएगा तो अभी तो एक बार में हो गया है, ठीक है। अगर आप अगर दूसरा कलर होता आपके क्लोथ का कलर, तो एक बार में नहीं होगा, तो आपको तीनों RGB रेड ग्रीन ब्लू का यूज़ करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग पहले इसको लाइट को देख लेते हैं, नीचे कम कर रहे हैं क्योंकि बैकग्राउंड का लाइट ज़्यादा नहीं है, तो आप अपने फेस पर भी ज़्यादा नहीं रख सकते। ऐसा नहीं कि आप फेस वाइट करने के चक्कर में आप ज़्यादा कर लीजिएगा तो वो ऑकवर्ड लगने लगेगा। कॉन्ट्रास्ट को कम कर लेते हैं, सेचुरेशन को हल्का सा कम कर देते हैं, ठीक है। हुई को थोड़ा सा यूज़ करते हैं, पिंक कलर करते हैं, मतलब देखिए हल्का सा, क्योंकि जस्ट ऊपर देखिए आप, वहाँ पर हल्का सा पिंक कलर है, तो हल्का सा रखते हैं हम लोग बस, ठीक है। तो आप जहाँ पर जो बड़ी है उसके आसपास का कलर देखिए वैसा ही यूज़ कर लीजिए, ठीक है। हाईलाइट्स को कम कर देते हैं। अब देखिए फेस थोड़ा सा डार्क हो गया हुआ, ठीक है, हाईलाइट्स का कम करने की वजह से। तो हम लोग ब्राइटनेस फिर से बढ़ा लेंगे। हर पिक्चर की अलग अलग हो सकती है, आपकी कुछ अलग हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा बैकग्राउंड से ज़्यादा कलर मत यूज़ कीजिएगा। ये कोई नॉर्मल सा बैकग्राउंड नहीं है कि आप कलर यूज़ कर लिए, फेस पे फोकस कर दिए, क्लियरिटी यूज़ की कर लिए, तो वैसा नहीं करना आपको, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं टूल्स में, इफेक्ट्स में सॉरी, उसके बाद हम लोग हेयर का कलर चेंज करते हैं। बॉडी सेट तो हो गया, अब हम हेयर कट करने के लिए कलर में नीचे आके और कलराइज पे आ जाइएगा, ठीक है। उस पर इरेज पे क्लिक कीजिए, उसके बाद हम लोग अपने हेयर का कलर यूज़ चेंज करते हैं। तो उसका कलर कैसा रखना है, तो उसके जस्ट ऊपर देखिए वो पिंक है, तो हम लोग अपने हेयर का कलर भी पिंक रखेंगे, ठीक है, सिमिलर कलर रखेंगे। तो उसके लिए हम लोग कलर सेलेक्शन बना लिए, ठीक है। अब फिर से ओके कर लेते हैं, देखिए हो गया सिलेक्शन। अब यहाँ से आप उसको कलराइज का हुई का जो अमाउंट है उसको चेंज कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मिल गया। अब देखिए पूरा अगर मिल रहा है, पिंक हो गया, तो वैसे ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। धीरे धीरे आप भी समझ जाइएगा, यहाँ से भी आप कर सकते थे, लेकिन हो सकता है कि आपका शर्ट का कलर कुछ और था, वहाँ से अगर यहाँ से भी शर्ट का कलर हम लोग मैच कर सकते थे, लेकिन हमेशा यूज़ नहीं कर पाइएगा, कभी कभी मैच करेगा कभी नहीं करेगा, वो हमेशा करेगा, इसलिए मैं उसमें हमेशा उसी को बताता हूँ। चलिए तो हो गया, सेव कर लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं शैडो बनाते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट्स में चलते हैं फिर से, कि हम लोग शैडो बनाए नहीं थे अब तक। इफेक्ट्स में आने के बाद नीचे जो देख रहे हैं कलर, कलर पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट पर इसके अमाउंट को कम कर लेंगे, ऊपर से इरेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इन्वर्ट पर आएंगे, ठीक है। इन्वर्ट पर आने के बाद यहाँ से उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हैंडल का शैडो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे में हल्का सा शैडो बनाते हैं इसको, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप परफेक्ट मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो वो PNG का यूज़ करके ये सब करना चाहते हैं तो वो नॉर्मल है, तो वो तो कर सकते हैं। बैकग्राउंड कुछ है, बॉडी का कलर कुछ और है, तो वो सब तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर परफेक्ट मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है थोड़ी सी। अगर इसमें और कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से मैं ज़्यादा एडिट नहीं कर पाता हूँ कितनी। चलिए हो गया, फिर से हम लोग चलते हैं इफेक्ट्स में। अब हम लोग नीचे का जो शैडो है वो ज़्यादा लाइट है, तो उसको डार्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं वो ज़्यादा डार्क है पहले से बैकग्राउंड में इस एरिया में, तो हम लोग को उस एरिया का डार्क करना पड़ेगा, ठीक है। इन्वर्ट पे क्लिक करके जो निचला एरिया होगा हम लोग का लेक का, उसको हम लोग डार्क कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग डार्क करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं बॉडी हम लोग का है उससे अटैच है, तो जहाँ पर कार से अटैच होगी वहाँ पर हल्का सा जो शैडो बनेगा ही जहाँ पर होगा अटैच, ठीक है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ का आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब देख रहे हैं वीडियो थोड़े से फास्ट कर देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो अगर आपको ज़्यादा स्पीड लग रही है तो ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा वीडियो के ऊपर ना, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लेबैक स्पीड, तो उसको कम कर लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पर हम लोग उसको शैडो बना लेते हैं, और जब हमारे कुछ भाई हमसे जुड़ जाएंगे तो हम लोग पूरा फुल डिटेल देखेंगे, मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो देखेंगे, आराम आराम से देखेंगे कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अभी से बस नॉर्मल एडिट करते हैं कलर मैच करने का, PNG कलर मैच करने के बाद भी ऐड करेंगे तो और अट्रैक्टिव होगा, तो वो सब हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। चलिए ये हो गया, देखें हम लोग का डार्क हो गया, तो हम लोग की पिक्चर एडिट हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोग इफेक्ट उसका जो भी यूज़ करेंगे तो परफेक्ट आएगा। चलिए अब हम लोग क्या बोले थे यहाँ पे मिरर पे ऐड करने के लिए, तो हम लोग सिंपली इसको सेव करेंगे पहले इस पिक्चर को, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद हम लोग उस पिक्चर जो एडिट पिक्चर है उसका कुछ पार्ट कट करके वहाँ पर हम लोग उसको ऐड कर देंगे। तो ऐड पिक्चर पर आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ है, ये नॉर्मल चीज़ सब है, इस सबको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ऐसा लग रहा है ना कि एज अ नॉर्मल पिक्चर क्लिक किया हुआ, इसमें कोई PNG यूज़ नहीं किया गया, फिर भी ये पिक्चर एकदम परफेक्ट आ गई है, ठीक है। तो हम इसको क्रॉप कर लेते हैं, किसी भी एरिया को क्रॉप कर दीजिएगा, हल्का सा फेस रखिएगा, इसमें उतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन दिख जाता है अगर देखने वाले आपको पकड़ लेंगे कि हाँ यहाँ पर गलती किया है इसने। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ है,
ठीक है, तो हम लोग की पिक्चर एडिट हो चुकी है। और हाँ, मैं इंस्टाग्राम का एक्टिव रहने लगा हूँ, तो आप लोग अगर हमें वहाँ ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या मैं फिर पिन कर दूंगा आपको कमेंट में। ठीक है, तो चलिए हो गया। अब आप इस पर कुछ भी एडिट करना है लाइटरूम से, स्नैपसीड से, अब कीजिएगा, परफेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल अपने पिक्चर पर आ गए हैं ना। ये देखिए कितना परफेक्ट हो चुका है। तो होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अब पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो हमारे नए मेहमान अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग की एडिटिंग कितनी परफेक्ट हो चुकी है। अब हम लोग इस यहाँ से कोई भी इफेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग हल्का सा डार्क यूज़ कर लेते हैं। अब इस सिनेमा जो भी इफेक्ट डालना चाहते हैं इक्वल अब इफेक्ट आपको यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये देखिए कितना परफेक्ट हम लोग मैनिपुलेट कर लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।